सो हे गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो आप लोग अभी सोच रहे हो ना कि सुबह सुबह ये कहाँ आ गया है, अंधेरे में है ना। तो मैं अभी डाइनो को घुमाने आया हूँ, क्योंकि आज मैं जो हूँ जल्दी उठ गया था, फिर मैं डाइनो को लेके आया हूँ। तो अब ऐसा इसको घुमाते हैं थोड़ी देर। तो आज का प्लान पता है क्या है? तो आज का प्लान ये है ना कि मैं बता नहीं रहा था, शादी है मेरे कज़न की, मेरी बुआ की लड़की की। तो ऐसा करना है मैंने कि मतलब कल वहाँ बारात आएगी ना, जैसे कल बारात आएगी तो आज हमें शाम को जाना है यहाँ से। तो जैसे जाते नहीं है मामा वगैरह जाते हैं, तो वैसे वैसे कुछ होता है, मेरे को इतना पता नहीं है, बट आज जाना है। तो आज मैं कॉलेज जाऊँगा पहले, तो 9 बजे जाएंगे कॉलेज, और 1-2 बजे कॉलेज से जो है वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ को जाना है। तो अभी डाइनो को घुमा देते हैं, इसके बाद चलते हैं घर को, उसके बाद रेडी वगैरह होते हैं। सुबह सुबह देखो वाइब भी अलग आती है ना घूमने की, कितना अच्छा मौसम रखता है सुबह सुबह, ठंडा ठंडा सा। सो फाइनली मैं और डाइनो पहुंच गया घर में, तो अब जा रहा हूँ मैं बाइक धोने के लिए। तो चलते हैं फिर बाइक धोने के लिए, मिलते हैं आप लोगों को सीधा बाबरी के पास, चलो। सो बाइक का हाल देखो कितनी गंदी हो गया ना, यहाँ यहाँ से, यहाँ यहाँ से, और यहाँ से भी कितनी गंदी हो गया। तो अब मैं यहाँ से पानी फेंकूँगा पहले इस पर, फिर अंदर से फेंकूँगा जब ये साफ़ लगेगी होने। तो ऐसा करते हैं, धोते हैं फटाफट से। तो अब जो है मैंने बाइक साफ़ कर दी है साफ़ पानी से, अब मैं इसमें निरमा डाला हुआ है, अब इससे साफ़ करूँगा इसको। सो फाइनली मैंने जो है वो बाइक साफ़ कर दिया है, देखो कितनी सही लग रही है आप, है ना। तो फटाफट इसको ले चलते हैं और घर के नीचे खड़ी करते हैं धूप ना। मैं कॉलेज के लिए चल पड़ा हूँ, तो अब टाइम हो रहा है 9:30, तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ आज पूरा दिन। मतलब मेरे को आना है ना 1 बजे वापिस, क्योंकि जैसे वो जाते नहीं है शादी में, जैसे मामा वगैरह जाते कि क्या सीन होता है, वैसे जाना है हमने। तो गाइज मैं जो हूँ वो कॉलेज पहुँच चुका हूँ, तो अभी मेरी क्लास है, तो ये असाइनमेंट मैंने सबमिट करवानी है अभी इस क्लास के बाद में, तो इस क्लास के बाद एक और क्लास है, उसके बाद सबमिट कराऊँगा। तो यहाँ पे है लैब इस तरफ को, तो यहाँ पे है मेरी क्लास है। तो अभी थोड़ी देर के अंदर क्लास है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ थोड़ी देर पहले। अभी लाइब्रेरी गया था और शॉपिंग वगैरह करने जाना है अगर मिलता है सामान ऊपर तो, और फिर चल रहे हैं घर को, क्योंकि घर वाले फ़ोन कर रहे हैं कि तू कितने बजे आएगा। मेरे को 2 शादियाँ ना, एक मेरी बुआ की लड़की की है और एक मेरे गांव के अंदर है मेरे घर के नीचे, तो मतलब वो एक ही डेट में है। तो आज शाम को जैसे मैं वहां जाऊंगा ना, तो वहां से वापस आऊंगा बुआ के घर से, तो वहां से जाऊंगा अपने घर के नीचे शादी में, क्योंकि डाइनो घर में अकेला होगा ना, तो फिर उस चक्कर में। तो और कल सुबह निकलना पड़ेगा 6:30 बजे, तो देखते हैं क्या बनता है, पर शादी तो मैं दोनों अटेंड करूँगा। तो अभी सीन ऐसा है ना, मैं कॉलेज से जो हूँ वो घर आ गया हूँ, तो एक शादी वहाँ लगी है नीचे, और अब मैं जा रहा हूँ, मतलब मेरे को बाजार भेज रहे हैं मम्मी वगैरह, कोटी लानी होगी ना तो उसके लिए। सो अभी सीन ऐसा है ना कि मैं सामान लेके आ गया हूँ, बट ये जो चेन है ना ये दिक्कत कर रही है, पता नहीं कैसे कितनी ढीली हो गई है, और इसमें तेल भी ख़त्म हो गया है इसका चेन का। तो देखते हैं क्या करना है, अभी तो शादी है, शादी में तो नहीं कर पाएंगे, शादी के बाद ही कर पाएंगे। तो फटाफट चलते हैं घर को, चलो। सो फाइनली मैं जो हूँ वो रेडी हो चुका हूँ, तो अब हम चल पड़े हैं शादी के लिए। सो हम भी चल पड़े हैं शादी को, तो एक शादी यहाँ पे लगी है देखो घर के नीचे, तो यहाँ पे भी आ गए डीजे वगैरह। तो हम आएंगे कोई 5 बजे वापस, 8-9 बजे आऊँगा मैं वापस, 9-10 हम जाने के लिए तैयार है, बट यहाँ पर बारिश लगी है देखो, आधा मौसम साफ आता गंदा, तो यहाँ पर बारिश लगी है देखो। तो अब देखते हैं क्या बनता है, मेरे को तो बाइक ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डाइनो के पास भी आना है ना। तो देखते हैं, घर वालों को निकलने देते हैं, मैं फिर आराम से आ जाता हूँ। फाइनली हम लोग चल पड़े हैं और डाइनो रहेगा यहाँ पे घर पे अकेला, तो वो गाड़ियाँ आ गई है नीचे, तो चलते हैं फटाफट से, ये बैग उठा लेते हैं, और डाइनो रहेगा घर में अकेला ही, और ये मेरी बुआ का लड़का है, चलो तो पड़े हैं। बाय डाइनो, बाय जी। तो अभी लॉक हो गया है पूरे घर में, अकेला ही, अब कोई भी नहीं है, पूरा घर सब कुछ खाली हो गया है। डाइनो भाई चलते हैं फटाफट, मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ अपनी। तो फाइनली हम चल पड़े अब सब। बाय डाइनो, बाय बाय। कुछ नहीं है, शाम को तो आ ही जाना हमने। फाइनली जो है हम लोग चल पड़े हैं सब, तो आधी गाड़ियाँ जो है वो आगे चली गई है, और मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ, और आधी ये चली गई आगे, चली गई आगे आगे, और हम रह गए पीछे। चलते हैं फटाफट से इनके पास पहुंचते हैं जाके, तब यहाँ से है कोई किलोमीटर एक।
सो फाइनली हम पहुंच गए हैं शादी में। तो ये कुछ रस्म वगैरह जो होती है वो हो रही है, तो मेरे को लग गया भूख इस टाइम, तो फटाफट रस्म वगैरह करते हैं पूरी, उसके बाद खाते हैं खाना। सीन ऐसा है ना कि जो जगास थे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद मतलब खाना वगैरह खाना है अभी, इसके बाद जाऊँगा मैं दूसरी शादी में। डाइनो घर पे अकेला है, उसको खाना ले जाना है, इसको खाना भी देना है, फिर सुबह दोबारा आऊँगा। तो देखते हैं तब तक क्या क्या काम होता है मेरा इधर। तो तब तक मेरे बुआ का लड़का बैठा है यहाँ पे खाने के लिए कुछ, तो बैठते हैं थोड़ी देर, फिर देखते हैं क्या बनता है। फाइनली हम खाना खाने बैठ गए हैं क्योंकि घर जाना है डाइनो को खाना लेके, फटाफट यहाँ पे बैठे अभी हम, तो खाते हैं फटाफट से। सो अभी सीन ऐसा है ना कि मैं डाइनो को खाना देने जा रहा था, बट चाचू मिल गए रास्ते में, तो वो मेरे को दोबारा शादी में ले आए हैं। तो अब जाएंगे हम 10-15 मिनट बाद, वो खाना वगैरह खा रहे हैं ना, इसके बाद जाएंगे हम शादी को वहाँ पे, और डाइनो को खाना देने भी। डाइनो बेचारा के लोगा, 7 तो बज गए हैं वैसे भी यहाँ पे, यहाँ पे अब कुछ रस्म वगैरह हो रही है, पता नहीं क्या, मैं अंदर रूम में बैठा हूँ। तो इसके बाद फटाफट से जाते हैं और क्या कर सकते हैं अब। और हाँ, कल का मेरा प्लान बन रहा है कि मैं बारात में जाऊँगा, क्योंकि मेरे को बोल रहे हैं चाचू कि हाँ हमारे साथ बारात में चल पड़, तो देखते हैं अभी क्या बनता है, सुबह बताता हूँ आप लोगों को। मतलब आज का ब्लॉग तो इधर ही एंड कर दूंगा मैं, तो देखते हैं क्या बनता है फिर। और अभी तो जाके डांस वगैरह करना है डीजे पे, और यहाँ पे तो इतना हो नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे डीजे वगैरह नहीं है, यहाँ पे कुछ रस्में चली हुई है ना, अभी कल हो सकता है यहाँ पे डीजे, तो ऐसा करते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों को थोड़ी देर में। तो जैसे फेरे वगैरह लेने बैठते हैं ना, और शादी वगैरह होती है तो इसके नीचे ही होते हैं बैठ के, तो ये लगा रहे हैं अभी यहाँ पे, तो अब इसको लगने का वेट करते हैं फिर निकलते हैं हम। एक्चुअली मैंने बताया क्या किया, जो खाना था डाइनो का, मैंने बताया क्या किया, जो डाइनो का खाना था ना वो एक दुकान में रख दिया था। सो कि अभी भी मैं जाऊँगा शादी में, तो टाइम हो गया 10:30। एक्चुअली मैं चला गया था, बट चाचू वगैरह मेरे को लेके आ गए वापस, तो अब यहाँ पे इतने लेट हो रहे हैं। मैं अपनी बाइक भी जो है वो साइड में खड़ी करके आया हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। डाइनो घर में भूखा है, मैंने कॉल की थी तो वो भौंक रहा है ज़ोर ज़ोर से, तो अब फटाफट से इधर काम निपटाते हैं, 10:30 हो चुके हैं, उसके बाद चलते हैं फिर डाइनो को खाना वगैरह खिलाते हैं और सुलाते हैं उसको, फिर चलते हैं दूसरी शादी में। तो क्या कर रहे हैं, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। डाइनो अकेला था मेरा बच्चा, आज वही क्या करना क्या करना, आ जा जा मेरा मुन्नू, आ जा जा पहली मैं जो हूँ घर पहुँच गया हूँ, तो डाइनो बड़ा खुश हुआ एकदम से, पहले मेरे को भौंक गया था और नीचे लगी है शादी, तो ऐसा करता है फटाफट डाइनो को खाना खिलाते हैं और ये खा लेगा खुद ही, तब तक मैं शादी में जाता हूँ और आके सुलाता हूँ फिर इसको, तो चलते हैं फटाफट से। तो रेडी है ना डांस करने के लिए, चलो। तो ठीक है डाइनो, खा ले खाना है ना, लोग देख सकते हो डाइनो ने पूरे गमले तोड़ के रख दिए घर के, गुस्से में कि भाई मुझे कोई ले नहीं गया, देखो यहाँ पे भी तोड़ दिया, तो अभी इसकी आके जरा मुरम्मत करते हैं, पहले जा आते हैं नीचे। तो अभी रात हो गई है बहुत, तो ऐसा करते हैं इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तो कल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट व्लॉग, अभी रात के 12 बज रहे हैं, मैं शादी से भी पहुंचा हूं घर में। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।